नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड को। इसके पहले हमने जो चैप्टर देखा था वो था चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये है चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हम देख रहे हैं दोस्तों क्लास 9 की एनसीईआरटी पॉलिटी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एस्पिरेंट्स के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं टेलीग्राम पर, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो आप इन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा मेन ग्रुप है, या यूँ कहे कि मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से टेलीग्राम पर। इसकी यहाँ पर लिंक दी गई है। बाकी कुछ डिस्कशन ग्रुप है, जैसे कि IAS PCS ज्ञान और SSC ज्ञान, रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए अलग अलग अपना ग्रुप है, पुलिस एग्ज़ाम एस्पिरेंट के लिए अलग अपना ग्रुप है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। हमारे एजुकेटर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और देखिए इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। इसके पहले देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हमने कम्प्लीट की थी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की NCERT और क्लास 9 पर हम आ चुके थे। और काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिला है, कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया। इसमें से एक रीज़न ये भी था दोस्तों कि आपका जैसा रिस्पांस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। रिस्पांस इन टर्म ऑफ व्यूज़ नहीं मैं कह रहा हूँ, रिस्पांस मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर 50 स्टूडेंट इस लेसन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 50 लेसन जो 50 लोग देख रहे हैं, 50 में से कम 20 या 20 लोगों ने तो भी अपना रिस्पांस देना चाहिए, लेसन को लाइक या डिसलाइक करना चाहिए, अपना कमेंट देना चाहिए, जिससे ये समझ में आता है कि सीरीज़ किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो देखिए आपका रिस्पांस काफ़ी, या यूँ कहे कि वैसा नहीं है जो एक एजुकेटर को मोटिवेट कर सके। तो आप इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिए और आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कितने जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करें, कितने जल्दी से जल्दी आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए। देखिए दोस्तों, क्लास 9 की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 6 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी NCERT पॉलिटी के नाम से, वहाँ पर जाकर आप उन लेसन्स को, उन वीडियो को देख सकते हो। इस चैप्टर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। बिल्कुल कम समय में दोस्तों मैं आपको चैप्टर का सारांश यहाँ पर बता दूंगा। ओवरव्यू अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमने डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश की थी। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे एक सिंपल टर्म में। और इसके डेफिनेशन में जो कुछ चीज़ें आती हैं उनका एनालिसिस करने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। तो देखिए, डेमोक्रेसी अपने आप में एक बड़ी टर्म है, एक चैप्टर में इसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता। जितना आप इसके बारे में समझोगे पढ़ोगे उतना कम है, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें चैप्टर में दी गई हैं, हम उसी पर बात करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था दोस्तों कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जहाँ पे पहले नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, बाद में वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। पहले कहीं कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहाँ पे तख्ता पलट होता है, वहाँ पे कूप होता है, मिलिट्री रूल आता है, उसके बाद फिर से डेमोक्रेसी आती है। इन सब चीज़ों को हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी इस तरीके की गवर्नमेंट है, इस फॉर्म की गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट में जो रूलर होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं पीपल द्वारा, मतलब उस कंट्री के नागरिकों द्वारा, जनता द्वारा। ये तो आप जानते ही हो, बिकॉज यही बात हम दोहराते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। ये हमने शुरू में भी देखा था, बल इस चैप्टर में भी हम यही देखने वाले हैं। डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। दूसरी एक डेफिनेशन है जिसे आप जानते हो, बाय द पीपल वाली, जो कि फेमस है, बट उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वो सबको पता है। तो एक दो बातें आप ध्यान में रखिए कि डेमोक्रेसी इस तरीके की गवर्नमेंट है, इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर होते हैं इन्हें चुना जाता है जनता द्वारा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो शब्द डेमोक्रेसी है ये ग्रीक शब्द है, डेमोक्रेटिया, इसे लिया गया है। डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, और क्राटिया का मतलब होता है रूल। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जा रही है। हमने बात की कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, क्या फ़र्क होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में देखी थी। तो देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी इस तरीके की गवर्नमेंट है जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड देखी, जहाँ पर जनता द्वारा अपने रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है।
देखिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जिनके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से म्यांमार में आर्मी ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था और उस समय जो डेमोक्रेटिक नेशंस थे उन्होंने म्यांमार को हेल्प नहीं की थी। किस तरीके से हमने देखा था फिनोशे ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था चिली में, और किस तरीके से घाना की हमने बात की थी। बट ये जितनी भी गवर्नमेंट थी दोस्तों, यहाँ पर ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी क्योंकि इन्हें जनता ने नहीं चुना था। हमारी डेफिनेशन यही तो कहती है कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं इसे जनता द्वारा चुना जाता है। देखिए, ये हेरिडेटरी थे, मतलब वंश, इन्हें वंश के थ्रू मिला था, या यूँ कहें हम, क्या ये किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके जो पूर्वज थे वो इस तरीके का काम किया करते थे, या यूँ कहें कि इस तरीके की पोस्ट पर रहा करते थे, इसीलिए इनके बाद इनके बच्चों ने भी इस पोस्ट को फुलफ़िल किया। देखिए दोस्तों, अब नेपाल तो शायद इसमें नहीं आएगा बिकॉज वहाँ पर संविधान बन चुका है और काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स वहाँ पर आए हैं। सऊदी अरेबिया में भी चेंजेस आ रहे हैं, बट उतने नहीं कि हम इसे डेमोक्रेटिक नेशन कहें। नेक्स्ट है दोस्तों कि देखिए, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं ये लोगों के, हाँ मतलब फाइनल ये जो डिसीजन पावर होती हैं ये किसी एक हाथ में नहीं होती है, काफ़ी सोच समझ के डेमोक्रेसी में डिसीजन लिए जाते हैं। बट अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें, अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर इस तरीके से डिसीजन नहीं लिए जाते दोस्तों, एक आदमी यहाँ पर डिसीजन लेता है। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया की, आए दिन न्यूज़ बनी हुई, मतलब न्यूज़ टीवी में हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में और टीवी में, कि नॉर्थ कोरिया आए दिन न्यूज़ में होता है, ऑल बिकॉज ऑफ उनकी जो अभी रिसेंट की एक्टिविटीज़ चल रही है इस वजह से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर मुशर्रफ जो उस समय हुआ करते थे, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर रूल चलाया, किस तरीके से, मतलब किस तरीके से जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ये सब बातें भी हमने प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इसमें थोड़ी बहुत इस पर भी बात की थी। तो देखिए दोस्तों, जो फाइनल पावर होती है ना वो एक किसी एक पर्सन के हाथ में होती है, अगर हम नॉन डेमोक्रेसिक कंट्री की बात करें तो इस तरीके की जो रूल होते हैं, इस तरीके की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसे हम बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, बिकॉज डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है इसमें ही ये बात कही जाती है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर होता है, जो रूलर होता है, इसे जनता द्वारा चुना जाता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कैसे चुना जाता है, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा था कि कुछ जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं इन्होंने बाय फोर्स, या यूँ कहे कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश की। एग्जांपल हमने इराक का देखा था, इराक में यूएस ने इलेक्शंस करवाए बट उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली दोस्तों, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी की जो इच्छा होनी चाहिए ये उस देश के जो नागरिक हैं ये उनकी होनी चाहिए, इसे किसी पर भी फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम रातों रात लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते कि आप चलिए डेमोक्रेसी अच्छी है, आप डेमोक्रेसी को अपना लीजिए, क्योंकि देखिए वो जिस सिचुएशन में रह रहे हैं वो उसमें वो काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, देखिए मुग़ल रूल की अगर हम बात करें, जिस समय यहाँ पे ब्रिटिशर रूल किया करते थे, तो उनके हाथ में से सत्ता काफ़ी समय से चली गई थी, मुग़ल के हाथ में से सत्ता चली गई थी, बट फिर भी काफ़ी दिनों तक मुग़ल को एज अ एम्परर बताया गया। इसके पीछे रीज़न ये था कि उस समय की जो जनता थी वो उन्हें एज अ एम्परर एक्सेप्ट किया करती थी। तो देखिए इस तरीके से रातों रात तो चेंज नहीं किया जा सकता, डेमोक्रेसी किसी जगह पे नहीं लाई जा सकती। हम बात कर रहे हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस की। डेमोक्रेसी में दोस्तों फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दोनों या तीनों पक्षों को जीतने के लिए या हारने के लिए, या हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टी रूल कर रही है और जब नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा है तो वो पार्टी अपने पावर का मिसयूज़ करे और नेक्स्ट टाइम में भी, मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में भी जीत कर आए। तो इस तरीके से नहीं, फ्री होने चाहिए इलेक्शंस, फेयर होने चाहिए। मैक्सिको का एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से 6 सालों में वहाँ पे इलेक्शन होता है बट एक ही पार्टी के मेंबर वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या यूँ कहे कि वन पार्टी रूल होता है, मल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं और जो अपोजिशन है उन्हें डिनाई किया जाता है। तो इस तरीके से की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, जहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते, मतलब वो खुद को डेमोक्रेसी बताते हैं, खुद को डेमोक्रेटिक नेशन बताते हैं, बट वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता, हम उन्हें डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, उन्हें डेमोक्रेसी कहना सरासर गलत होगा। नेक्स्ट, फिर बात की जाती है वन वोट एंड ईच वोट, मतलब वन वोट वन पावर जो होते, या यू कहे कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, जो फ्रेंचाइज की बात हम करते हैं ना, कि एक एक इंसान एक ही वोट देगा और उस वोट की उतनी ही वैल्यू होगी, इसे भी डेमोक्रेसी में, ये भी डेमोक्रेसी में होना ज़रूरी है, ये भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, बिकॉज इलेक्शन के बाद तो वोट
वोट की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए पॉलिटिकल इक्वलिटी की भी इसमें बात होती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जहाँ इक्वलिटी के सिवा दोस्तों डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, बिकॉज एक आदमी अगर दो वोट देता है या तीन वोट देता है या किसी एक वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है किसी एक वोट की वैल्यू कम होती है तो किस तरीके से डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकेंगी। तो देखिए दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है वन वोट, मतलब एक आदमी एक वोट, ठीक है। और देखिए जब डेमोक्रेटिक रूल चलाया जाता है या यूँ कहे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना काम करती है तो उस पर भी कुछ लिमिट होती है, उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। लॉ और रूल रेगुलेशन को उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है, जिस तरीके के लॉ और रूल रेगुलेशन उनके सिटीजन्स को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हम ये नहीं कह सकते दोस्तों कि मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बार जीत के आ गई तो बस उसी की चलेंगी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इलेक्शन को अभी उसे सामना करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होंगी, जिस तरीके की सिस्टम बनाया गया है उस तरीके का सिस्टम जो आइडियल सिस्टम है उसे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जब देखिए ये लोग इलेक्ट होके आते हैं तो इनके अकाउंटेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनके साथ इन्हें काम करना पड़ता है। अगर हम इलेक्टेड रूलर की बात करें तो, या यूँ कहें कि हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री में दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है टेम्प्ररी एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसकी हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक क्लास 11 का एग्जीक्यूटिव जिसका टाइटल है इसमें। टेम्प्ररी वो होते हैं जो इलेक्ट करके आते हैं इलेक्शंस द्वारा, एक टाइम पीरियड के बाद उन्हें फिर से अपने आप को साबित करना पड़ता है, फिर से इलेक्शन के प्रोसेस से जाना पड़ता है, जाना ज़रूरी होता है अगर वो पावर को में रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट एक दूसरा एग्जीक्यूटिव होते हैं दोस्तों जो IAS या IAS ऑफिसर होते हैं, ये यू कहे हम क्या सिविल सर्वेंट होते हैं। ये एक एग्जामिनेशन के प्रोसेस के थ्रू एक बार चुन के, मतलब एक बार इससे इलेक्ट होते हैं, या यू कहे कि सिलेक्शन के प्रोसेस से ये लोग आते हैं। और एक इनका जो टेन्योर होता है जितने साल इन्हें सर्विस में रहना है उतने साल ये सर्विस को इन्जॉय करते हैं, या यू कहे कि देश की सेवा करते हैं, इन्हें इलेक्शन जैसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, तो इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है भाई। इसे समझने के लिए सिंपल सी दो चीज़ को हम सहारा लेते हैं, यहाँ पर बुक में इसके मेरिट दिए गए हैं, डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स हैं और डेमोक्रेसी के क्या डेमेरिट्स हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं डेमोक्रेसी के मेरिट और डेमेरिट। पहले हम मेरिट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों डेमोक्रेसी इस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि सबसे बेटर है, ठीक है, इससे बेटर नहीं है। और जनता का जो ज़रूरतें होती है इन ज़रूरत को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतर तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए अगर पर्टिकुलर चीज़ जनता को चाहिए और वो अपनी आवाज़ उठाती है, प्रोटेस्ट करती है, तो उनके बातों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं दोस्तों ये इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, काफ़ी कंसल्टेशन किया जाता है, काफ़ी डिस्कशन किया जाता है। यूँ कहे कि कोई रूल और रेगुलेशन भी हमारे कंट्री में बनाना हो तो हमारे यहाँ पे दो सभागृह हैं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, दो टाइम डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी होती है डिसीजन की। देखिए सॉल्यूशंस जो निकाले जाते हैं ना ये पीसफुल सॉल्यूशन होते हैं, और एक्चुअली ये या यू कहे कि सॉल्यूशंस पीसफुली होते हैं। अगर हम World War I को देखें या II को देखें तो इनका भी जो सॉल्यूशन निकाला गया दोस्तों ये टेबल पर ही हुआ था, ठीक है। ये वॉर के जो मैदान होता है वहाँ पर नहीं होता है, बट हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ये एक पीसफुल सॉल्यूशन देता है, ये पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी में किसी एक के पास परमानेंट पावर नहीं होती दोस्तों, कोई परमानेंट विनर नहीं होता, कोई परमानेंट लूज़र नहीं होता। कुछ साल पहले किसी और पार्टी की सत्ता थी, उसके कुछ साल पहले किसी और पार्टी की सत्ता थी, कोई और पावर में था, ठीक है। यह मौका देता है अपनी ओन मिस्टेक को करेक्ट करने का, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि हमारे कंट्री में हर डिसीजन जो हर लॉ या रूल रेगुलेशन पास होता है ये दो बार इस पे विचार विमर्श किया जाता है, या यूँ कहे कि डिसीजन लिया जाता है। किस तरीके से, एक बार इसे लोकसभा के थ्रू जाना पड़ता है, एक बार इसे राज्यसभा के थ्रू जाना पड़ता है, बाद में उस बिल को प्रेसिडेंट अपनी असेंट देते हैं, ठीक है। इस तरीके के प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। तो देखिए कहीं अगर गलती होती है, कहीं मिस्टेक होती है तो उसे वहाँ पर इम्प्रूव किया उसे वहाँ पर करेक्ट किया जाता है, उसे वहाँ पर सुधारा जाता है, ठीक है। तो ये हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी हमें इस तरीके की मेथड प्रोवाइड करता है दोस्तों जहाँ पे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को हम अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, या यू कहे कि जो लोग जो कंट्रीज़ ये दिखाती है कि वो डेमोक्रेटिक है, बट वहाँ पे जिस तरीके की डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, जो रियल डेमोक्रेसी है, उस तरीके की डेमोक्रेसी नहीं है। तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उन्हें जल्दी से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, जैसे कि हम श्रीलंका में देख लीजिए, ठीक है, मालदीव में हम देखते हैं अभी जो चल रहा है।
तो देखिए दोस्तों, और फाइनली इन सब का एडवांटेज किसे होता है, इन सब का फ़ायदा किसे होता है, तो सिटीजन्स को होता है। ये वहाँ के जो सिटीज़न होते हैं, नागरिक होते हैं, उनकी जो डिग्निटी होती है उसे इन्हांस करता है दोस्तों। चलिए अब इसके कुछ डीमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किया गया है कुछ लोगों द्वारा, इनके अपने रीज़न हैं, ये अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी की वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है बिकॉज फ्रीक्वेंटली लीडर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये भी हमने देखा है पास्ट में कि किस तरीके से लीडर्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, किस तरीके से सरकार गिर जाती है एक वोट के होते हुए, तो ये एक इनस्टेबिलिटी को भी क्रिएट करता है। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से पावर प्ले देखने को मिलता है, पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है, अनएथिकल तरीके का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों इलेक्शंस को जीतने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर इशू इज सॉल्व। देखिए, प्रीवियस हमने इसे एडवांटेज कहा था, बट ये कहते हैं कि काफ़ी सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है किसी डिसीजन को लेने के लिए, इस वजह से डिले होता है। ठीक है, डिसीजन समय पे नहीं लिया जाता, इसमें डिले हो जाता है। और देखिए, कभी कभी जो इलेक्टेड लोग होते हैं ये लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं करते, और बाद में ये भी कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिन्हें चीज़ों को ज़्यादा समझ नहीं आती, या यूँ कहे कि उन्हें उस तरीके की समझ नहीं होती जिस तरीके की समझ एक सिटीज़न के पास होनी चाहिए, तो वो अपना डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाते, या यूँ कहे कि जो जिस इंसान को इलेक्ट करना चाहिए, जो बेटर इंसान है, या यूँ कहे कि बेटर कंटेस्टेंट है, उसे वोट नहीं मिलता। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जो नागरिक होते हैं डेमोक्रेसी में, कई बार ऐसा देखने को मिलता है ये अपने हित में जो डिसीजन लेने चाहिए वो डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट थे दोस्तों जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी, ठीक है, उसके कुछ फीचर्स देखे, कुछ डेमेरिट देखे, कुछ मेरिट देखे। ठीक है, इस तरीके का ये चैप्टर था जिसे हमने ख़त्म कर दिया है। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 भी हो चुका है, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ये चैप्टर नंबर 3 होगा। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब इस चैनल को देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, या यू के पीसीएस के एस्पिरेंट हो, और अगर किसी और एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा एक दूसरा चैनल है दोस्तों, स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स। आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें, और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।